चर्चा में मैंने हाँ जी स्वामी जी, आप बोलिए, रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है। प्रणाम जी। वहाँ शाम की चर्चा में युवाओं ने विशेष आग्रह किया था कि हमें क्या करना है इस विषय पर बोलिए। मैंने लगभग 1.25 घंटे के आसपास उनको प्रबोधित किया कि देखिए, हमें जब महान लक्ष्य की तरफ चलना है तो हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। वहां केवल 6-7 युवा लड़के थे जिन्होंने अपने बल पर सबको संगठित किया और प्रणामी समाज के 90% से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए थे, जबकि हमारे समाज की बड़ी हस्तियां वहां इकट्ठी हुई थी और सबने कहा था कि कोई कार्यक्रम में नहीं आएगा 2 अप्रैल को, और ये कार्यक्रम था कल यानी अर्थात 7 अप्रैल को। तो मैंने जो मूलभूत हमारी जो कमजोरियां चली आ रही है समाज की, कि हमारी ब्रह्मवाणी क्यों नहीं फैल पा रही है, क्योंकि भले ही हमारे पास परम धाम का सर्वोच्च ज्ञान है, किंतु जो 21वीं सदी में जिस नीति पर चलकर हमें प्रचार करना चाहिए था उन नीतियों को हमने छोड़ दिया, जिसके कारण हमारा पिछड़ापन है। मैंने ये बताया कि जो यदि ब्रह्मा कुमारी को देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी का कोई ऊंचा तत्व ज्ञान नहीं है, 10-15 दिन में उनके सारे साहित्य को पढ़ा जा सकता है, फिर भी 120 देशों में उन्होंने प्रचार कर दिया मात्र 125 वर्षों में, क्योंकि वो कर्मकांड पर कोई खर्च नहीं करते, भाड़े पर भी 2-4 कमरे लेकर के कहीं ज्ञान केंद्र बना देती हैं बहनें और आसपास के लोगों को ध्यान सिखाना शुरू कर देती हैं। उन्हें ध्यान की भी कोई विशेष गहराई का अनुभव नहीं है, लेकिन मिशन के लिए समर्पित है। कल मुझसे ज्योत्सना बहन ने बताया था कि उनके मिशन में 30,000 महिलाएं समर्पित हैं। आप सोचिए, हम तो 300 भी समर्पित बहनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, 300 क्या 30 भी हमारे पास समर्पित बहने नहीं है जो इस कार्य को पूरा कर रही। रविशंकर जी में जो जंजीर की परंपरा है, जैसे एक ने उनकी पद्धति को सिखाया 5 व्यक्तियों को, 5 ने और को 5 जोड़ा, श्रृंखला बढ़ती गई और पूरी दुनिया में रविशंकर जी सिखाएंगे। एक व्यक्ति ने अकेले कारनामा कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग की कि हम एक एक को कैसे जोड़ना है। हमारे समाज में ये सब प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं है। कोई एक विशिष्ट व्यक्ति कोई प्रवचन कर गया, शेष सारे लोग निष्क्रिय पड़े रहते हैं और उनको निष्क्रिय पढ़ने के लिए विवश भी किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रतिभा को सम्मान नहीं दिया जाता। शिवानी को ही देखिए, शिवानी MSc पढ़ी थी, संसारिक महिला थी, धार्मिक संस्कार थे, जब बोलने लगी तो आज शिवानी का जादू सारे संसार पर सिर को चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी समाज ने शिवानी की प्रतिभा को उजागर होने दिया। हमारे यहाँ क्या है, जो विशिष्ट पदों पर जो लोग व्यक्ति बैठ गए हैं वो किसी भी प्रतिभा को अपने जीते जी ऊपर नहीं आने देना चाहते, नहीं ज्ञान का फैलाव देना चाहते। जो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी कि अब देखिए, सारे संसार में विपसना के 400 केंद्र हैं और एक एक केंद्र से यदि 10-10 का भी औसत जोड़ा जाए, संख्या वहां बहुत ज्यादा होती है, सालों भर विपसना केंद्र वो भरे रहते हैं, 10 का औसत भी जोड़े तो 4,000 लोग तो हमेशा ध्यान वहां कर रहे होते हैं। इस दृश्य हम इतने पीछे हैं कि जहाँ राधा स्वामी व्रत में उनके स्थान पर 1,00,000 लोगों का भोजन बनता है, काफी लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं, हमारे यहाँ पास केवल 2 ध्यान कक्ष हैं जिसमें कुल मिलाकर 32 कमरे हैं और 32 कमरे भी आज तक भरे नहीं कभी। इससे इसी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम ध्यान के देश से कितने पीछे पड़े हैं। हमारे पास ध्यान की वो प्रक्रिया है जो नारायण को भी मालूम नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु शिव को कैसे पता चल सकती थी, किंतु सबसे ऊंची पद्धति का ज्ञान लेकर भी हम निष्क्रियता में कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। रविशंकर जी ने अपनी विचारधारा फैला दी, सारे संसार में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में पहचाने गए। स्वामी रामदेव ने योग को इतना सरलीकरण कर दिया योग का, और योगासन सिखा करके वो भी संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिए। प्रसिद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अपनी विचारधारा को संसार में प्रकाशित करना। यदि साहित्य के दृष्टि से देखा जाए तो विगत 15 वर्षों में ज्ञानपीठ से सबसे अधिक साहित्य रचा गया,
वह साहित्य उतना तेजी से कार्य न तो जग्गी वासुदेवा के संस्थान में हुआ है, न शंकर जी के संस्थान में हुआ है, न तो ब्रह्मा कुमारी के पास और न रामदेव जी के पास, किसी के पास इतनी तेजी से साहित्य नहीं लिखा गया। किंतु इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, क्योंकि हमारे आपसी संघर्ष कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे आपसी संघर्षों में हमारी एक बहुत बड़ी ऊर्जा, समय की ऊर्जा, धन की ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, क्योंकि सीधा लक्ष्य बहुत कम को दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ वितक के कार्यक्रम होते हैं, भंडारे वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, इसमें बहुत विवाद छिड़ते हैं। देखा जाए तो रामदेव की है, जग्गी वासुदेवा को देखा जाए तो जग्गी वासुदेवा ने 20-20 घंटे परिश्रम किया, और जग्गी वासुदेवा ने अपने परिश्रम के बलबूते, उनकी अंग्रेजी अच्छी है, किसी बात को संतुलित तरीके से बोल देते हैं, अंग्रेज उनके दीवाने, उनके आश्रम में जाने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, हमें सिफारिश करके बुलाना पड़ता है कि भाई आओ हमारे यहाँ कार्यक्रम में करो। रविशंकर जी पैसा लेकर भी सिखाते हैं तो दुनिया सीखती है, हम फ्री में भी सिखाएं तो दुनिया सीखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन रविशंकर जी का जो ध्यान का मार्ग है वो तो एक सामान्य स्तर का मार्ग है, जो उन्होंने प्रक्रिया खोज रखी है जीवन जीने की कला में, उस कुछ आसन प्राणायाम लेते हैं, कुछ ध्यान की प्रक्रिया हल्के हल्के ले लेते हैं। आज दुनिया उन पर बहुत अधिक भाव रखती है, क्योंकि उन्होंने प्रस्तुतिकरण बहुत सरल तरीके से किया और आधुनिक युग के अनुकूल किया। हमारी प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है वो पुराने ढंग की है, हम आधुनिक युवा वर्ग को उसकी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समय के प्रवाह में हम न चलने के कारण बहुत पीछे रह गए हैं। कम से कम आगे न बढ़े तो बराबरी पर तो रहें, और इसके लिए बहुत अधिक त्याग करना पड़ेगा। मैंने कल युवाओं को कहा कि युवाओं पर को चाहिए कि बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों का कर्तव्य है कि युवाओं पर अपना वरद हस्त रखें और अपने अनुभव का लाभ दें। यदि हर कोई अपने अपने अहम को लेकर खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मिशन पिछड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ, प्रणामी समाज से या और रत्नपुर ग्रुप से, कुछ विवाद की बातें तो होती है, सरसावा ग्रुप के भी कई कार्यक्रम होते हैं, वहां भी कितने विवादों को मुझे सुलझाना पड़ता है। इन विवादों को देखकर मुझे लगता है कि हमारी नियत में क्या विवाद ही विवाद है, हम लक्ष्य पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। जैसे कि अभी वडोदरा में कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ किचकिच हुई थी, तो मुझे कष्ट भी था कि जिस महान कार्य के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर ध्यान कम जा रहा है, हम अपनी ऊर्जा को ऐसे व्यर्थ करते रहेंगे तो क्या होगा, समय तो बीतता जाएगा, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। जो कोई मिशन लेकर खड़ा होता है, चाहे गौतम बुद्ध लेकर के चले अपना उद्देश्य, स्वामी श्रद्धानंद लेकर के चले अपना उद्देश्य, उन्होंने भी केवल 8 विद्यार्थियों से उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, अपने 2 बच्चों को सबसे पहला विद्यार्थी बनाया और उनको ब्रह्मचारी बनाकर पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है, और उस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से हजारों वेद के स्नातक निकले, ऐसे भी क्रांतिकारी निकले जिन्होंने हंसी के फंदे को हंसते हुए अपने गले में अपने हाथों से डाल लिया, जो वहां फांसी का चढ़ाने वाला होता है, जल्लाद उसको छूने भी नहीं दिया। वो भी आश्चर्य कर रहा था कि इन ब्रह्मचारियों में आजादी के लिए कितना जुनून है कि वेद मंत्र गा रहे हैं और हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने हाथों में डाल देते हैं। ज्ञानपीठ में रंजी जी की कृपा से हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है, फिर भी कोई समर्पित होकर विद्वान बनने के लिए तैयार नहीं होता। उस समय को हम याद करें जब 5,000 सुंदर साथ घर द्वार छोड़कर श्री जी के साथ निकल पड़े थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हम श्री जी के साथ हैं तो कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे। जहाँ झाबुआ में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ का तापक्रम उस समय 42 सेंटीग्रेड था, दोपहर को गर्म हवा बह रही थी और जो टेंट था बहुत पतला था। मैंने सबको कहा कि भाई देखिए यहाँ तो कूलर भी लगा लिया है आप लोगों ने, और इससे भी गर्मी तो श्री जी ने झेली होगी जब मध्य प्रदेश के काफी भागों में भ्रमण की, भिक्षा में जो मिलता था वही श्री जी आहार करते थे, मंदसौर की घटना है।
रामनगर की घटना है, औरंगाबाद की घटना है, सब में कितने कष्टों से श्री जी जगह जगह गांव गांव वन वन घूमे केवल परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए। आज हमारे पास तकनीकी संसाधन बहुत अधिक है, साहित्य का भंडार हमारे पास। उस जमाने में तो कागज को हाथ से बनाया जाता था, किस तरह हाथ से लिखा जाता था, न इतने ग्रंथों की अधिकता थी, न इतनी तकनीकी सुविधाएं थी, फिर भी कितना एक जनून था कि 5,000 सुंदर साथ घर द्वार छोड़ करके चल पड़े थे। मुकुंददास जी का तो कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था और मैंने सुना है कि विवाह होने के बाद कुछ महीने तक पति पत्नी एक दूसरे को इतने मुंह के जैसे देखते हैं कि परमात्मा की भी उन्हें याद नहीं आती, माता पिता भाई बहन सबको भूल जाया करते हैं, भले ही बाद में उनमें झगड़ा हो जाया करे। किंतु मुकुंददास जी ने तो अपनी पत्नी से कहा कि मेरे साथ चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। पत्नी ने मना किया तो हमेशा के लिए छोड़कर चल दी और कभी दोबारा पूछा भी नहीं कि तुम किस हालत में हो। उन सुंदर साथ का त्याग था, उस त्याग के कारण उन्होंने भारत के कितने प्रांतों में भ्रमण किया, आप समझिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक सब कुछ धावा मारा। उस जमाने में पैदल चलना था, धूप शीत वर्षा के कष्ट झेलने थे, जगह जगह पर औरंगजेबी शासन से मुकाबला करना पड़ रहा था, सेना पीछा कर रही थी, फिर भी परम धाम की वाणी उत्तरित हुई। सुंदर साथ ने ही बैठे बैठे परम धाम का आनंद लिया और आज छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ कहीं ना कहीं अकर्मण्यता के शिकार हैं, दिशाहीनता के शिकार हैं। मैंने कल उस बात को पुनः रेखांकित किया कि 5,000 की जमात पन्ना जी में पहुंच चुकी थी, यदि कोई सलाहकार होता महाराजा छत्रसाल जी को और ये सलाह दिया होता कि यहाँ विश्वविद्यालय बना दिया जाए तो 5,000 की संख्या में 2,000 तो विद्यार्थी आराम से मिल सकते, और ये प्रक्रिया चलती रहती तो इन विगत 300 वर्षों में हजारों विद्वानों का निर्माण हुआ होता और उन विद्वानों के द्वारा जो निजानंद की गाथा लिखी जाती आज हम सारे संसार में छा रहे होते। हमारा भी स्तर राधा स्वामी से, ब्रह्मा कुमारी से, जग्गी वासुदेवा से बहुत ऊंचाई पर होता। आज हमारे समाज में रविशंकर जी ऐसा, रामदेव जी ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि सारा संसार जानता हो, इनको तो सारा संसार जानता है, हम तो प्राणनाथ जी को भी बता नहीं सके और ये भी नहीं बता सके कि हमारी मूल फिलॉसफी क्या है। हम सारे संसार को एक सत्य मार्ग पर चलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वह सारी क्षमता हमारे वाणी में निहित है। हम उसको यदि आत्मसात नहीं कर सके, संसार के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके तो हमारी कमजोरियां हैं, हमारी दिशाहीनता है। क्योंकि अभी कुछ वर्ष पहले जो 400 साल श्री मिराज के तन धारण करने के उपलक्ष्य में जो 400 वर्ष व्यतीत हुए उसमें कम से कम 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उस 20 करोड़ रुपए से कम एक छोटी सी डिम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती, विद्वान तो तैयार होते। अभी नेपाल में एक व्यक्ति ने कार्यक्रम किया है, अकेले 7 करोड़ रुपया उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया, 7 करोड़ या अर्थात भारत का 4 करोड़ रुपया समझ लीजिए, 4 करोड़ से कुछ ज्यादा। तो एक व्यक्ति जनून में आकर 4 करोड़ रुपए खर्च कर देता है और वो पैसा पानी की तरह सांसों को दिखाने में व्यतीत हो जाता है, क्योंकि जो बड़ी हस्तियां आती हैं उस कार्यक्रम में फ्लाइट से आती है, उनको होटलों में ठहराया जाता है, ऊंचे स्तर की भेंट दी जाती है, ये सब में खर्च तो हो गया, किंतु किसी महान लक्ष्य को लेकर के वही 4 करोड़ रुपया खर्च किया जाता तो कुछ अच्छा परिणाम होता। इसी तरह से देखा जाए कि नेपाल में एक भवन बन रहा है, 22 करोड़ रुपया लग चुका है, देवचंद जी के नाम से वो भवन बन रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ। तो ऐसा ही चल रहा है, कोई वृंदावन धाम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, शिक्षा के लिए शून्यता है। ज्ञान ही मार्गदर्शन करेगा, भक्ति ही हमारे हृदय में, हमारे हृदय को इस स्तर पर ले जाएगी कि वो राज्य का धाम कहला सके। चितवन ही नदारद है, पानी का ज्ञान नदारद है तो क्या होगा। हम बड़े बड़े महलों जैसे मंदिर बनाते जा रहे हैं, आश्रम बनाते जा रहे हैं और उसका समाज पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ मंदिर बन जा रहे हैं करोड़ों करोड़ों के, 10-10 करोड़ के, 12-12 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं, रहने वाले 15-20 वैसे ही रहते हैं, पूजा पाठ होती रहती है, ये पूजा पाठ तो घरों में भी चलती आ रही है, लेकिन जो लक्ष्य होना चाहिए, राधा स्वामी मत क्यों फैला, क्योंकि उनके पास कोई कर्मकांड नहीं, शहर से बाहर जमीन ले लेते थे, एक शेड डाल देते हैं, आज भी 2-3 बाथरूम वगैरह बना दिए, हर हफ्ते उनका कार्यक्रम होता है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है,
संख्या बढ़ने लगती है और पूरा राधा स्वामी मत का एक केंद्रीकरण है ब्यास से जो निर्धारित होता है उसको सब लोग मानते हैं। माउंट आबू के निर्देश को पूरा ब्रह्मा कुमारी समाज 120 देशों में सभी ज्ञान केंद्र मानते हैं, उनके कई हजार केंद्र हैं और हम 400 वर्षों में 400 छोटे छोटे बड़े मंदिर बना लिए। वहाँ से कोई वाणी चर्चा महीने में एक गोष्ठी होनी है, कुछ आएंगे खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, साल में एक बीतक होनी है और 4-5 दिन का या 3 दिन का एक वार्षिकोत्सव हो जाता है जिसमें भी केवल नाचना कूदना ही रह जाता है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में भी आप सोचिए 23 वर्ष बीतने वाले हैं, 22 वर्ष बीत गए, 23वां वर्ष प्रारंभ हो गया। इतना होने के बाद भी हम संसार कैसे चल रहा है इस पर हम जरा भी विचार नहीं करने को तैयार है तो क्या होगा, संसार की दौड़ में तो हम पीछे रहेंगे। भले ही हमारा ज्ञान परम धाम का है, अभी रविशंकर जी से पीछे हैं, रामदेव जी से पीछे हैं, जग्गी वासुदेवा से पीछे हैं, हाँ साहित्य में हम राज्य की कृपा से हम काफी आगे हैं, संगीत में भी हम बहुत आगे हैं, लेकिन जो ज्ञान को फैलाने के लिए जो प्रस्तुति करना चाहिए हमारे पास उच्च स्तर के प्रतिभाओं का अभाव है। हाँ 2-4 प्रतिभाएं हैं ज्ञानपीठ के पास, लेकिन पूरे प्रणामी समाज में तो उच्च स्तर की प्रतिभाओं का अभाव है जिनकी बोलने की कला लोगों को प्रभावित कर सके। हम प्रभावी समाज में कोई छाप छोड़ने वाले वक्ता तैयार नहीं कर पाए। एक तो महिलाओं को बिल्कुल कुचल दिया गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, उनको नाचने गाने या शोभा यात्रा में तमाशा प्रदर्शित करने के लिए ही हमने प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में कोई शिवानी की कल्पना नहीं कर सका। यदि कोई आगे बढ़ता भी है तो उसको हतोत्साहित इतना कर दिया जाता है कि कोई भी बहन ये बोझ सिर पर उठाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती, और जो होती भी है तो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है जो उस प्रतिभा को तराशे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। कल के प्रवचन में मैंने इन्हीं समस्याओं की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट किया था कि आपसी लड़ाई छोड़कर, तारतम्य का विवाद छोड़कर सबको मिलजुल कर चलना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए कि ब्रह्मवाणी का फैलाव ही हमारे जीवन का स्वरूप लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मवाणी फैले, चितवनी फैले और हम आपस में प्रेम बनाए रखें। मतभेद हो जाए लेकिन मन भेद इतना नहीं कठोरता के स्तर पर होना चाहिए कि हम किसी की शक्ल देखने को राजी ना हो। यदि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो संसार को क्या बताएंगे। इसके पहले सवेरे की चर्चा में मैंने वो बोला था, आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी सीधा, ले खुशवास याद कर बांध गुली प्रेम काम। 4 चरणों में 4 विशेष बातें कही गई है, आगे की चौपाई में और विशेष बात है। प्रेम प्याला में भर भर पीऊ त्रय को इच्छा छकाऊ, 14 भवन करूं उजाला और ब्रह्मांड पे बस जाऊं। कहने को तो ये प्रकाश सिंह दसानी की चौपाइयां हैं लेकिन इसमें बहुत गहरे रहस्य भरे पड़े हैं। इन 2 चौपाइयों के 8 चरणों में जो कुछ कहा है, यदि हमारा समाज एक दृढ़ संकल्प लेकर उसका पालन करे, मैं समझता हूँ पूरे समाज का रूप बदल जाएगा और संसार में जो आज विकृतियां दिखाई दे रही हैं इसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना पड़ेगा। बुद्धिजीवी वर्ग यदि किनारे बैठा रहेगा तो मात्र किसी मंदिरों और आश्रम के जो जो विशिष्ट अधिपति होते हैं, महाराज जी होते हैं, महंत होते हैं, केवल उन्हीं के भरोसे रहना है कि केवल यही ब्रह्मवाणी ब्रह्मांड में फैलाएंगे, तो इस प्रक्रिया से तो 20-25 हजार साल भी लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि सारे संसार में ब्रह्मवाणी फैलेगी। आज हमारे पास तकनीकी सुविधा ऐसी है कि आज चर्चा किए हजारों व्यक्ति तक, लाखों व्यक्ति तक तकनीकी सुविधा के कारण हमारी चर्चा फैल सकती है। हाँ अब हमें प्रतिभाओं को तरसना है, चाहे 15 साल के बच्चे में, चाहे 40 साल के बच्चे में, चाहे 60-70 साल के व्यक्ति में, स्त्री हो पुरुष हो, जिसके अंदर जो प्रतिभा हो उस प्रतिभा को निखारा जाए, उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और वो व्यक्ति भी प्रतिष्ठा के बिना, लोभ और प्रतिष्ठा सबको छोड़कर एक महान लक्ष्य बनाए कि हमें राज्य की ब्रह्मवाणी को फैलाना है। इसके बदले न तो हमें धन चाहिए न प्रतिष्ठा चाहिए, हमें सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। यदि सिद्धांतों से समझौता करना होता तो एक बार मेरे पास 4,000 करोड़ का ऑफर आया था, उसमें मुझे क्या करना था, सीए को लगा देता और सारा काम निपटा लेता। हमारे पास 1200 करोड़ मिल जाते और 1200 करोड़ में तो 300-300 करोड़ की 4 यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाती, क्रांति हो जाती।
लेकिन वो गलत कार्य था। मैं ऐसा राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं कर सकता जो कानून के विपरीत हो, और इस तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा से हटकर कानून विरुद्ध कार्य करके यदि विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवा लिया जाता, कुछ बच्चे पढ़ने भी लगते, लेकिन जड़ में तो यही रहता कि हमने भ्रष्टाचार के तरीके से ही गलत कार्य किया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, वो स्वीकार है, लेकिन गलत कार्य करके विश्वविद्यालय के निर्माण से कोई धन बचा नहीं होगा, क्योंकि सबके मन में ये तो रहेगा कि गलत तरीके से इसका निर्माण हुआ है। जबकि ये कार्य काफी बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही है, स्वामीनारायण मत में भी ये सब चल रहा है, राधा स्वामी मत में भी चलता है, गुरुद्वारों में वाले भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आ रहे हैं सब ऐसा कर रहे हैं, 30% ले लेते हैं, 70% वापस कर देते हैं। लेकिन ज्ञानपीठ ने कभी भी समझौता नहीं किया। कई कई बार खाते में 5,000 भी रुपये नहीं थे, फिर भी मैं झुका नहीं, मैंने समझौता नहीं किया। उधर से ऑफर से बार बार आग्रह आ रहे थे कि अरे क्या लगता है आप, हाँ कह दीजिए, करोड़ों रुपये हो जाए। मैंने कहा कि नहीं, हमें करोड़ों रुपये नहीं चाहिए। हाँ ये है कि जितनी तेजी से पिछले विगत वर्षों में ज्ञानपीठ ने साहित्य का निर्माण किया है, ये एक सम्मानजनक स्थिति है कि चाहे जग्गी वासुदेवा हो, स्वामी रामदेव जी हों, रविशंकर जी हों, इनके पास अरबों रुपये का बजट है, लेकिन इन्होंने 15 वर्षों में इतना साहित्य नहीं रचा। अपने बच्चों ने भी ईंटें पाथी हैं, रात के 2-2 बजे तक टाइपिंग किया है, सहयोग तो सबने किया है, लेकिन शेष हमारा समाज तो सो रहा है। अकेले ज्ञानपीठ कितना करेगा, जितना संभव है सब कुछ करेगा, लेकिन एक नकारात्मक संदेश जो जा रहा है कि जो ज्ञानपीठ हो उसका उल्टा करो, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। सारे समाज की ऊर्जा एक दिशा में लगे कि आप जिसको मानते हो मानो, जिस गुरु पर श्रद्धा है रखो, जिस मंत्र को मानते हो मानो, लेकिन ब्रह्मवाणी तो फैलाओ, राज्य क्यामत तमत में जो ज्ञान है उस ज्ञान को फैलाइए। चितवनी सबकी एक जैसी है, सबको मूल मिलावे में ही जानना है, मूल मिलावे का ही ध्यान करना है, इसमें तो कोई विवाद नहीं। इसलिए यदि हम उदार हृदय से सोचें, व्यापक दृष्टिकोण से सोचें, तो सारे समाज को एक हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का कोई केंद्रीकरण स्थान, न कोई व्यक्ति है न कोई स्थान है। 7 घोड़े हैं और 7 दिशाओं में चल रहे हैं, 8 दिशाओं में सब जागने के रथ के 8 घोड़े चल रहे हैं, तो क्या रथ तो वहीं ठहरा हुआ है, क्योंकि सभी घोड़े अपनी अपनी दिशा में रथ को खींचना चाहते हैं। यदि सबके राज्य एक हैं, सबका परम धाम एक है, सबकी वाणी एक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने मतभेद होने चाहिए, अलग अलग दिशाओं में खींचातान होनी चाहिए। ऐसे तो मानव जीवन की प्रवृत्ति है कि अलग अलग विचारधारा होती है, अपनी अपनी विचारधारा में हर कोई चलना चाहता है, लेकिन जो मूल विचारधारा है वो है ब्रह्मवाणी का रस संसार में यदि फैलाना है, तो हमें कुछ व्यापक दृष्टिकोण से सोचना होगा। जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी मतभेद होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नूरी तन लेकर के ब्रह्मा कुमारी की बहने बैठी, उनमें झगड़े नहीं होते, उनमें भी होते हैं कड़वाहट, उनमें भी होती है, लेकिन जहाँ मूल लक्ष्य है वहां सभी एक हो जाते हैं। हम मूल लक्ष्य से भी भटक जाते हैं, भले ही परम धाम एक है, वाणी एक है, कुछ भी एक है, हम वैदेह की बात करते हैं लेकिन किसी के साथ हम बैठने को राजी नहीं, वार्ता करने को राजी नहीं। तो इसमें क्या है, हम यहाँ तो हम अपने अहम को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन राज्य के सामने क्या जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। समय यूं ही बीतता जा रहा है, ठीक है, हम केवल संतुष्टि कर लें कि 15 साल में हमने बहुत ज्यादा साहित्य रच दिया, संगीतकार कुछ तैयार हो गए, कुछ अच्छे प्रवक्ता तैयार हो गए, तो ये तो उपलब्धि जहाँ तक मैं सोचता हूँ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो साहित्य बना है उसको फैलाने के लिए हमें और भी कमर कसनी होगी, साहित्य को और अधिक विस्तृत और पारदर्शी, सरल और सबके लिए उपयोगी बनाना पड़ेगा, जो बच्चे से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक को आकर्षित कर सके। तकनीकी दृष्टि जितने संसाधन है तकनीकी के, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के, उसका सारा उपयोग करके हमें पूरे संसार में फैलाने का एक व्रत लेना पड़ेगा। उस व्रत के लिए जितनी अपनी आहुति देनी पड़े, जितना समर्पण करना पड़े, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो आज के युग में संभव नहीं हो सके। अब देखिए कि जब बौद्ध भिक्षु तैयार हुए थे, उसमें कई राजकुमार भी थे जिन्होंने कभी कष्ट नहीं झेला था, वो भी घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, पैदल चलते थे, कितना जीवन कठिन था।
24 घंटे में केवल एक बार भोजन मिलता था बौद्ध भिक्षुओं को, लेकिन उन्हें चीन में, जापान में, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया तक, उधर लंका, इंडोनेशिया, न जाने कितने देशों में पैदल चलकर बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी विचारधारा को फैलाया, ईसा के मिशनरी ने फैलाया। हाँ, मुस्लिमों ने भले ही तलवार उठाई, लेकिन जिहाद के नाम पर अपने प्राणों की बलि भी तो उन्हें देनी पड़ी। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते, सोचते हैं कि राज्य चुटकी बजा देंगे, सारी जागनी हो जाएगी, किंतु ये माया का ब्रह्मांड है। माया के ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान राज्य भी सबके सामने खुला चमत्कार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे मर्यादा मिट जाएगी, संसार चमत्कारों पर आश्रित हो जाएगा। इसलिए वो सुंदर साथ में शक्ति देंगे और वह शक्ति ही सबको प्रेरित करेगी कि हमें कैसे जागने कार्य को बढ़ाए। वह शक्ति अचानक आकाश से नहीं आ जाएगी, उसके लिए सब सुंदर साथ को वाणी के द्वारा अटूटी मान लेकर चितवनी में डूबना पड़ेगा। जब हम चितवनी में अपने हृदय का तार राज्य के दिल से जोड़ेंगे, हमारा हृदय जब राज्य से जुड़ेगा, हमारे हृदय में जब युगल स्वरूप के चरण कमल पड़ेंगे, तो जहां जितनी शक्ति की आवश्यकता होगी राज्य से मिल जाएगी और हम राज्य की वाणी के उच्च फैलाने वाले उच्च स्तर के सैनिक बनकर के ब्रह्म वाणी को फैलाने में सक्षम हो जाएंगे। उस समय संसार हतप्रभ रह सकता है, लेकिन अभी जो तत्काल विषम परिस्थिति दिखाई दे रही है कि हम पहले तो हम लड़ना बंद कर दें, दूसरे के अंदर अवगुणों को देखने की अपेक्षा उसमें जो अच्छाई है उसको भी देखने का प्रयास करें, दूसरों के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले आत्मचिंतन हमारे लिए करना आवश्यक है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हर कोई अपनी अपनी कमियों को अपने हृदय से पूछ करके दूर कर ले, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी बैर नहीं लेना चाहेगा, कोई भी नहीं कहेगा कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है ये अवगुण है। इसलिए वाणी का प्रकाश हमें हृदय में लेना है, आत्मनिरीक्षण करके अपनी भूलों को सुधारना है कि हम जागने की सेवा में राज्य के प्रति कितना समर्पण दिखा सकते हैं। और लक्ष्य सबका एक होना चाहिए, ऐसा आह्वान फेसबुक से होना चाहिए, यूट्यूब के माध्यम से होना चाहिए, ज्ञानपीठ के जितने प्रवक्ता हैं इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर, चाहे जूम के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम सबको प्रेरित करें, क्योंकि साल भर पहले कुछ ज़्यादा जूम का चमत्कार नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिखने में आने लगा है कि सुंदर साथ आमने सामने बैठ कर अपने मन की बात कहते हैं। आज से 25 साल पहले ऐसा था कि विद्वान कुछ प्रकरणों को रटे रटाए रखते थे, कहीं भी जाकर उसी को सुना दिया करते। आज टीका हो जाने से हर छोटा छोटा बच्चा भी एक एक बात को समझ रहा है। मैं जब बड़ोदरा था तो एक सावली से गांव का, बड़ोदरा से 30 किलोमीटर दूर से एक गांव का एक व्यक्ति भागते आया मेरी कार के पास, पूछा कि स्वामी जी मैं केवल आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आपकी एक एक चर्चा को मैं 50 बार सुन चुका हूँ। मैं दंग रह गया कि यह व्यक्ति गांव का है, ज्यादा पढ़ा भी लिखा नहीं है, लेकिन जब एक एक चर्चा को 50 बार सुनेगा तो आज से 20-25 साल पहले जो चर्चा का स्तर था सारे समाज में, उसको सुनकर इससे तो कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, आज हम किसी छोटे बच्चे को देखकर हम छोटा बच्चा न समझ लें, गांव के किसी अनपढ़ से दिखने वाले व्यक्ति को ये न समझें कि ये इसको कुछ नहीं आता है, उसको वाणी का गहरा रहस्य मालूम है, लेकिन इससे संतोष लेने की बात नहीं है। हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है कि अभी ये मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल तो तब पूरी होगी जब इस संसार के हर व्यक्ति के हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाए, हर व्यक्ति तारतम ज्ञान के प्रकाश में क्षर अक्षर से परे अक्षर अतीत के रस को जानते। हम कोई छोटा संप्रदाय चलाने के लिए, मठ मंदिर बनाकर आराम करने के लिए, मेले भंडारे करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है प्राणनाथ जी की पहचान सबको देना, सबको चितवनी में डुबोना, और इसके लिए तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। पत्थर भी पड़ेंगे, अपमान के घूंट पड़ेंगे, संसार हमें बुरा भी कहेगा, तो इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने कानों में रुई डाल करके मुस्कुराते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम है ही राज्य के, इस कार्य में संसार जो कहे। बच्चा जब घाव, उसके घाव का ऑपरेशन होता है तो आजकल तो सुन्न करने का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, 20-25 साल पहले गांव में इंजेक्शन लगाने की परंपरा नहीं थी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब डॉक्टर नस्तर लगाते थे, चीरा लगाते थे, तो चिल्लाता था, गाली तक भर देता था। ऐसे ही संसार है, आप ब्रह्मवाणी सुनाने जाएंगे तो संसार आपको पत्थर भी मारेगा,
दयानंद को क्या नहीं झेलने पड़े, गौतम बुद्ध को झेलने पड़े, महावीर स्वामी को झेलने पड़े, इसे हमें भी झेलना पड़ेगा। हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना है। हम अपने प्राणेश्वर का कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य में अपमान मिले या सम्मान, सबको मुस्कुराते हुए सहन करने की आदत रखनी पड़ेगी। और जहां तक मैं जाता हूँ, देखता हूँ, गुजरात में जहां भी जाता हूँ, वहां से आते समय लोग सुंदर साथ फूट फूट कर रोते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि संसार प्रतीक्षा कर रहा है, देरी हमारी तरफ से हो रही है। काफी सीमाओं के लिए मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। मैं साधना की मर्यादा में बता हुआ, इसलिए पिछले सात सालों से जागने के कार्य में काफी शिथिलता आई। राज्य की कृपा से जैसे ही मैं साधना पूरी कर लेता हूँ तो मुझे विश्वास है कि जितना संभव हो सकेगा जागने के कार्यक्रम में बहुत तेजी आनी चाहिए। तब तक आप सब सुंदर साथ जिस तरह से लगे हुए हैं, जूम की कक्षाओं को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। क्या छोटे छोटे बच्चे भी चर्चनी के बारे में गहराई से जानने लगे, वाणी के बारे में गहराई से जानने लगे हैं। और ये अंगड़ाई लेते हुए समाज की पहचान है। जब समाज अंगड़ाई लेता है तो ऐसे बाल, युवा, वृद्ध सभी सजग हो जाते हैं। सजगता और संकल्प ही तो लक्ष्य तक पहुंचाता है। यदि हम सजग नहीं होंगे, हमारा संकल्प महान नहीं होगा, उस संकल्प के प्रति समर्पित होने की भावना नहीं होगी, तो हम कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं संसार में। इसलिए अटूट संकल्प, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम और पूर्ण पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो जागने का लक्ष्य कुछ ज्यादा कठिन नहीं बन सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि सब सुंदर साथ मेरे इस मनोभाव को समझेंगे और उसके अनुसार दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। फेसबुक पर युवा पीढ़ी से मैं यही आशा करूंगा कि इस दिशा में छोटे छोटे क्लिप बना करके डाला जाए कि सभी सावचेत हो जाएं, अपनी प्रतिमा को तरह से राज्य के चरणों की छाया में रखकर बिना किसी तरह का अहंकार लाइए हुए कि राज्य हमें अधिक से अधिक बल दें, ज्ञान बल दें, भक्ति का बल दें, विनम्रता का बल दें, शिष्टाचार का बल दें, कि हम सारे संसार में अपने ज्ञान को